दोस्तों यह है टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V का लेटेस्ट OBD2 BS6 फेज 2 का E20 मॉडल, जिसमें आपको एथेनॉल 20% का अपडेट देखने को मिलता है। टैंक पे आपको E20 की बैचिंग मिलती है और यह इसका ड्रम वेरिएंट है। गौर कीजिएगा, टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V मॉडल में आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे, जिसमें आपको पहला ड्रम, दूसरा आपको डुअल डिस्क और तीसरा आपको डुअल डिस्क विद ब्लूटूथ वेरिएंट। ये 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो ये इसका ड्रम वेरिएंट है और BS6 फेज 2 इंजन के साथ ये बाइक आ चुकी है, यानी अब आपको इसमें BS6 फेज 2 का अपडेटेड इंजन देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, क्या कुछ नए अपडेट किए गए हैं, क्या नए फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, प्राइस से लेके फीचर्स सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर वेरियंट की। तो ये इसका ब्लू कलर वेरियंट है। इसके अलावा इसमें आपको वही पुराने सारे कलर वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पहले से ही देखने को मिलते आ रहे हैं। और लगभग सारे कलर वेरिएंट का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको अपाचे आरटीआर 162V मॉडल के सारे कलर वेरिएंट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये इसका ब्लू कलर वेरिएंट है। इस कलर वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। अपाचे आरटीआर 160 में टोटल 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इसका पहला वेरिएंट है, जिसे आप बेस वेरिएंट भी कह सकते हैं, यानी ये ड्रम वेरिएंट है। और इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस की बात करें तो करंट में इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आपको 1,44,000 टू 1,47,000 रुपीज, 1,44,000 से 1,47,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिलेगी प्रयागराज यूपी की। तो प्राइस लगभग 2,000 से 3,000 रुपए इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो इस चीज का आप गौर कर लीजिएगा। और जब तक नई प्राइस लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक यही प्राइस आपको शोरूम पे देखने को मिलेगी। तो ये थी इसके प्राइस की बात। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टैंक पे E20 की बैचिंग देख लीजिए, जिससे कि आप श्योर हो पाएंगे कि ये लेटेस्ट OBD2 का E20 मॉडल है, जिसमें अब आपको BS6 फेज 2 का इंजन देखने को मिलेगा और 20% एथेनॉल के साथ 80% पेट्रोल का कॉम्बिनेशन वाला पेट्रोल इसमें पड़ेगा, जिसे आप फ्लेक्स फ्यूल भी कह सकते हैं। और BS6 फेज 2 अपडेट आने के बाद में सभी बाइक में आपको यही अपडेट देखने को मिलेगा। तो अब इसमें फ्लेक्स फ्यूल पड़ेगा, इस चीज का गौर कर लीजिएगा। टैंक कैपेसिटी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। टैंक का जो डिजाइन है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। टैंक के ऊपर साइड में आपको स्टिकर और ग्राफिक्स मिलेंगे और रेसिंग सिंस 1982 की ब्रांडिंग इसमें आपको मिल जाती है ऊपर के साइड में, जो कि लुक को इनहेंस करता है। साथ ही साथ ग्रे कलर के स्टिकर और रेड कलर के डेकल्स इसमें आपको मिल जाते हैं फ्रंट के साइड में, जो कि लुक को इनहेंस करते हैं। मैट ब्लू कलर का फिनिश इसमें आपको मिल जाएगा टैंक पे, जो कि लुक को काफी इनहेंस करता है। आपको कितना ज्यादा पसंद आता है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टैंक काउल पे आपको 3D एम्बल्ड में हॉर्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, यानी टीवीएस का ब्रांड लोगो, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। और जो टैंक काउल है वो भी आपको काफी शार्प डिजाइन में देखने को मिलेगा। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा फुल डिजिटल मीटर कंसोल। अपाचे आरटीआर 164V से इंस्पायर्ड आपको इसका मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारे फीचर्स अपडेटेड और डिजिटल देखने को मिलते हैं। तो मीटर कंसोल में सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलती है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको राइडिंग मोड भी देखने को मिलते हैं। तो 3 मोड इसमें आपको मिलेंगे, अर्बन, रैन और स्पोर्ट मोड, ये 3 मोड इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको हाई स्पीड रिकॉर्डर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 156 का हाई स्पीड रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 0 to 60 का स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाएगा। 9.9 सेकंड में ये 0 to 60 की स्पीड को गेन कर लेती है। तो यहाँ पे मीटर कंसोल में आपको ये फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी, लाइव एवरेज मीटर, ये सारे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मीटर कंसोल फुली डिजिटल और फुली अपडेटेड देखने को मिलेगा। गौर कीजिएगा, अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, जिसको कनेक्ट करने के बाद आप इसमें कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कमांड, वॉइस असिस्ट, ये सारे फीचर्स का भी आप आनंद ले पाएंगे। तो मीटर कंसोल यहाँ पे आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, इंजन मॉल फंक्शन लाइट के साथ में ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर्स, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। 3 राइडिंग मोड इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें आपको अर्बन, रैन और स्पोर्ट, ये 3 मोड देखने को मिलेंगे, जिसे आप राइट हैंडल बार पे मोड स्विच दी गई है उससे आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंडल बार पे पासिंग स्विच के साथ लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिलेगा। तो स्विचिंग क्वालिटी भी काफी बेहतर है। राइट हैंडल बार पे इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ मोड स्विच और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिलेगा। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है। क्लिप ऑन हैंडल बार
कार इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो राइडिंग पोस्चर भी आपको काफी बेहतर मिलेगा, काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको मिल जाएगा। अब फ्रंट से इसका लुक देखेंगे तो फ्रंट से लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मेन हेडलैम्प में आपको फुल एलईडी सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा डुअल पार्टीशन में, तो विजिबिलिटी आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। और जो इसके एलईडी डीआरएल लाइट है वो भी आपको डिफरेंट शेप में देखने को मिलेंगे, यानी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर डिजाइन में अब आपको इसका एलईडी डीआरएल लाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रंट से इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। तो फ्रंट से इसका लुक आपको कितना ज्यादा पसंद आता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विजिबिलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, ऊपर आपको ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिल जाता है। और साइड इंडिकेटर की बात करें तो बल्ब वाला इंडिकेटर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलेगी। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको 270mm का रोटो पेटल डिस्क विद सुपर मोटो ABS सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ फेंडर पे आपको सुपर मोटो ABS की बैचिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो सुपर मोटो ABS का सपोर्ट है तो ब्रेकिंग नो डाउट आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। ब्रेकिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रंट का टायर 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, और अलॉय व्हील आपको ब्लैक कलर के रेगुलर अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जिसपे आपको रेड कलर की टेपिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि इसके लुक को भी काफी इनहेंस करते हैं। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डंपर्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 105mm का स्ट्रोक भी देखने को मिलेगा, तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलेगी। साइड से इसका लुक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, स्टिकर और ग्राफिक्स आपको साइड काउल पे देखने को मिल जाएंगे टैंक काउल पे, जिसमें आपको ग्रे कलर के स्टिकर के साथ रेड कलर के डेकल्स भी मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को इनहेंस करते हैं। और इसमें आपको RTFI की बैचिंग भी मिल जाती है, यानी रेस्ट एंड फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम, जिसकी वजह से फ्यूल इफिशियंसी आपकी काफी बेहतर हो जाती है, तो माइलेज भी आपको काफी बेहतर मिलेगा। और माइलेज की बात करें तो अगर आप इस बाइक से एक अच्छी राइड करते हैं, इकोनॉमी मोड में चलते हैं, तो आप इस बाइक से 49 तक का माइलेज आसानी से ले पाएंगे। ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका माइलेज रिड्यूस हो जाएगा, तो इस चीज का आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। इंजन की बात करें तो 159.7cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलेगा। जो पावर और टॉर्क है वो आपके मोड के अकॉर्डिंग चेंज देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन मोड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, अर्बन, रैन और स्पोर्ट मोड, तो तीनों मोड के अकॉर्डिंग आपका पावर और टॉर्क चेंज होगा। तो अगर आप अर्बन और रैन मोड पे बाइक को राइड करते हैं तो मैक्स पावर 13.32 PS की मिलेगी 8000 RPM पे, और मैक्स टॉर्क 12.7 Nm का मिलेगा 6500 RPM पे। बट अगर आप स्पोर्ट मोड पे बाइक को राइड करते हैं तो मैक्स पावर बढ़कर 16.04 PS की मिलेगी 8750 RPM पे, और मैक्स टॉर्क 13.85 Nm का मिलेगा 7000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आपके मोड के अकॉर्डिंग चेंज देखने को मिलेगा। पावर और टॉर्क काफी बेहतर है, परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर मिलेगी। एडिशनल फीचर में इसमें आपको GTT सिस्टम मिल जाता है, यानी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, तो बार बार आपको थ्रॉटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रैफिक में। बिना एक्सीलेटर लिए आपकी बाइक पहले गियर पे 7 से 9 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, विदाउट एक्सीलेटर लिए दूसरे गियर पे 12 से 15 और तीसरे गियर पे 15 से 17 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी विदाउट एक्सीलेटर लिए। तो ये GTT सिस्टम की वजह से है, आपको बार बार थ्रॉटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन के नीचे स्पोर्टी इंजन काउल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके लुक को भी इनहेंस करता है। इस पे TVS रेसिंग की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है, तो लुक को काफी इनहेंस करता है, साथ ही साथ इंजन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन में 5 गियर देखने को मिलेंगे, और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिलेगा। साइड पैनल पे अपाचे की ब्रांडिंग स्टिकरिंग में आपको देखने को मिल जाती है। सीट कंफर्ट काफी बेहतर है, सीट कंफर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। राइडर और पिलियन राइडर दोनों के लिए सीट कंफर्ट काफी बेहतर है। सीट काउल पे RTR 160 की ब्रांडिंग के साथ इंडियन फ्लैग की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में मिलेगी, लुक को काफी इनहेंस करता है। आगे आपको स्प्लिट ग्रैब व्हील देखने को मिलेगा, जो कि आपको रेगुलर डिजाइन में देखने को मिलेगा, लुक को इनहेंस करता है। और साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड सॉक्स विद स्प्रिंग एड सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसे आप मिग सस्पेंशन भी कह सकते हैं। तो सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगी, और ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट भी करवा पाएंगे। रियर सेक्शन में रियर टायर की बात करें तो रियर में आपको 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो गौर कीजिएगा, अगर आप इसका ब्लूटूथ वेरिएंट लेते हैं, यानी टॉप वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें टायर की साइज 120x70 की मिलेगी। तो ये इसका बेस वेरिएंट है, तो इस वजह से इसमें आपको 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। रियर सेक्शन का जो टेल लैंप है वो आपको यूनिक डिजाइन का फुल LED सपोर्टेड टेल लैंप देखने को मिलेगा, और इंडिकेटर आपको बल्ब वाले मिलते हैं। नंबर प्लेट के ऊपर आपको एक लाइट और देखने को मिलेगी, और साइड में साइड रिफ्लेक्टर भी आपको मिलता है। रियर सेक्शन का जो ब्रेक है उसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसका बेस वेरिएंट है, तो रियर में आपको डिस्क का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिलेगा, बट ब्रेकिंग इसकी भी आपको काफी बेहतर मिलेगी। बॉक्स टाइप
स्विंग आर्म इसमें आपको मिल जाता है जो कि काफी बेहतर है। और एग्जॉस्ट की बात करें तो ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट आपको मिलेगा रेगुलर डिजाइन का, बट इसका जो मफलर कवर है उसकी डिजाइन आपको थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी है बाइक और कैसी लगी है वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।